Hello people, welcome back. Now it's time to add the last layer to our image. That is, now ab hum is file mein logo add karenge. So for that, sabse pehle to I need to open my bridge. So I'll click on files, browse in bridge. And then bridge se hum select kar lenge jo humara logo hai. So now over here you can see, yahan pe mere paas ek image hai jiska name hai foodandnutrition.psd. So this is my logo in this image. So if I double click on this, तो आप देखोगे यहाँ पे ये new tab में open हो जाएगी. So I'll go to Windows, arrange and then tile all vertically. Now मुझे इसको move करना है तो I'll simply select this and then drag it to this layer. यहाँ पे मैं इसको move कर दूँगी and then I don't need this, so मैं इसको close कर दूँगी. Now you can see here is our image. I can place it and then I'll press Ctrl T. उसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अगर मुझे उसका साइज चेंज करना है तो. सो आई विल प्रेस शिफ्ट एंड ऑल्ट एंड देन ड्रैग इट लाइक दिस एंड देन यू कैन मूव इट हियर एंड देन प्रेस एंटर. नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास विजिबिलिटी का इशू है. आपने जो टेक्स्ट डाला है क्योंकि उसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा लाउड है कि हमें वो विजिबल नहीं हो रहा. सो उसके लिए वी हैव समथिंग दैट इज़ हम जो पीछे बैकग्राउंड है उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं. नाउ देखते हैं ये ओपेसिटी करता क्या है. सबसे पहले तो ये जो गाइडलाइंस आ रही हैं, सिंस आई डोंट नीड दिस एनी मोर सो आई विल रिमूव दिस बाय प्रेसिंग कंट्रोल एच. इससे मैंने इसको हाइड कर दिया. नाउ आई सेलेक्ट द बैकग्राउंड लेयर. यहाँ पे जो मेरे पास बैकग्राउंड लेयर है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया. एंड नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट ओपेसिटी. अगर मुझे लेयर की ओपेसिटी को कम करना है तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे वेज होते हैं. द फर्स्ट वन इज यहाँ पे आप देखोगे ऊपर लेयर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा है. और जब मैं इस वर्ड के ऊपर लेके जा रही हूँ तो आप देखोगे मेरे पास एक डबल स्लाइडर आ रहा है. सो इफ आई क्लिक एंड मूव इट टू द लेफ्ट, जब मैं लेफ्ट में मूव करूँगी तो आप देखोगे इस इमेज की ओपेसिटी कम हो रही है. सिमिलरली इफ आई मूव इट टू राइट तो आप देखोगे इसकी ओपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं. द अदर वे इज आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड देन आप कोई भी नंबर टाइप कर दो. लाइक अगर मुझे 50% चाहिए सो आई विल सिंपली टाइप 50%. मैं जब 50 टाइप करूँगी तो वो लेयर की ओपेसिटी 50% हो जाएगी. और यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन भी है, आई कैन क्लिक ऑन दिस. तो आपके पास एक ये स्लाइडर आ जाएगा जिसमें आप राइट या लेफ्ट में मूव करके उसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हो. फाइन, द लास्ट थिंग वी हैव इज अगर आपको ओपेसिटी चेंज करना है और अगर आपने लेयर सेलेक्ट कर रखा है, आपके पास मूव टूल है, तो आप डायरेक्ट अपने नोट पैड से इसको कर सकते हो. लाइक अगर मैं 5 प्रेस करती हूँ तो आप देखोगे ये 50% हो जाएगा. इफ़ आई प्रेस 7 सो इट विल गो टू 70%. इफ़ आई प्रेस 0 तो आप देखोगे 0 प्रेस करने पे ये 100% होता है, 0% नहीं. एंड अगर आपको 0% करनी है उसकी कैपेसिटी तो आप 0 को 2 बार प्रेस करोगे. लाइक इफ़ आई प्रेस 0 ट्वाइस सो यू विल सी कि उसकी ओपेसिटी 0 हो गई है. 0% ओपेसिटी मीन्स कि हमें लेयर की विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. फाइन, सो इन आर केस लेट्स स्विच टू 75. सो इफ़ यू आर क्विक एट नंबर पैड तो आप जल्दी से उस पर 75 प्रेस कर सकते हो तो वो 75 हो जाएगी. अगर आप धीरे धीरे करोगे तो जब 7 प्रेस करोगे तो वो 70 हो जाएगी. देन 5 प्रेस करोगे तो वो 50 हो जाएगी. सो इफ़ यू कैन टाइप क्विकली तो आप उस पर 75 डायरेक्टली टाइप कर सकते हो. नाउ आप देखोगे हमने उसकी ओपेसिटी तो कम कर दी बट स्टिल इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है बिकॉज कि जो हमारे पास पीछे जो बैकग्राउंड है दैट इज़ ट्रांसपेरेंट तो हमें वो अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा. सो उसके लिए आई कैन गो टू एडिट एंड यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्रेफरेंसेस का. एंड ओवर हियर यू विल सी वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड गैमेट. सो इफ आई क्लिक ऑन इट तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ग्रिड साइज है एंड यहाँ पे हमने मीडियम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है. एंड जो यहाँ पे ग्रिड कलर है वी हैव दीज कलर्स तो आप चाहो तो ग्रिड का कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से. फॉर नाउ मैं यहाँ पे ग्रिड साइज पे जाके नन कर दूंगी. सो यू विल सी कि यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट चेकबॉक्स की जगह हमारे पास वाइट कलर का अपीयर होगा. सो इफ आई प्रेस ओके नाउ तो आप देखोगे अब हमारे पास ये फिर भी बेटर है. जैसे पहले था उससे हमारे पास ये काफ़ी बेटर है. उसकी विजिबिलिटी भी अच्छे से हमें नज़र आ रही है एंड यहाँ पे भी वो अच्छा लग रहा है. सो नाउ अगेन इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द ओपेसिटी तो आप उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हो. आई कीप इट टू 80% और लेट्स जस्ट स्विच बैक टू 75 ओनली. सो आई विल मूव द स्लाइडर लाइक दिस एंड नाउ इट्स फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इफ आई वॉन्ट तो मुझे इन अगर इमेजेस को थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो मैं इसके बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल बना सकती हूँ.
सो फॉर दैट आई सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है रेक्टेंगल टूल का. अगर आपको ये सारी चीज़ें डिफरेंट हैं आपकी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रीसेट टूल कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास यही सेम ऑप्शंस आएंगे. फाइन, सो नाउ विल सिंपली क्लिक एंड स्टार्ट ड्रैगिंग, ताकि मैं उसको एक बैकग्राउंड में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकूँ लाइक दिस. ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू नोटिस कि मैंने लेयर्स पैनल में कौन सी लेयर सेलेक्ट कर रखी है, बिकॉज जब भी हम कोई शेप या कोई ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो जो लेयर पैनल में जो भी लेयर सेलेक्टेड होती है उससे एक ऊपर वो पेस्ट हो जाता है. फाइन, सो अगर मैं अपना माउस लीव करती हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर जो रेक्टेंगल ऐड हुआ है वो इस लेयर के ऊपर ऐड हो गया है. ऑल्सो जब भी आप कोई शेप ऐड करोगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज पैनल ओपन हो जाता है. सिंस वी डोंट नीड दिस राइट नाउ, सो आई विल क्लोज इट. एंड देन आप देखोगे यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ऐड कर दिया है. आई सिंपली प्रेस एंटर एंड नाउ इफ आई वॉन्ट तो मैं इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा डिक्रीज कर सकती हूँ. आई विल गो टू ओपेसिटी एंड डिक्रीज द बैकग्राउंड लिटिल बिट डाउन, मे बी टू दिस. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट तो आप इसको मूव भी कर सकते हो. शेप टूल को आप सिंपली जैसे आप अपनी कोई इमेज या अपनी कोई लेयर को ट्रीट करते हो, सिमिलरली आप उसी तरह आप शेप को भी ट्रीट कर सकते हो एज अ लेयर. फाइन, सो नाउ मूविंग अहेड, जैसे जैसे हम इस डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं आप देखोगे हम डिफरेंट लेयर्स बार बार ऐड कर रहे हैं. एंड यहाँ पे जो हमारा लेयर पैनल है इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स ऐड हो गई हैं. सो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं एंड आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे दे आर नॉट सो मैनी बट स्टिल वी हैव मैनी लेयर्स, अगर आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं तो आप अपनी लेयर को ग्रुप भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे जितनी भी मेरे पास ये चार स्मॉल इमेजेस हैं, आई विल सेलेक्ट देम वन बाई वन लाइक दिस एंड देन मैं इनको ग्रुप कर सकती हूँ. आप देखोगे नीचे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे दिस इज एन आइकन टू क्रिएट अ ग्रुप. अगर आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली लेयर सेलेक्ट करके इस पर क्लिक कर सकते हो, और यू कैन गो टू लेयर्स एंड यहाँ पे आपके पास अगेन यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ ग्रुप लेयर्स, तो आप यहाँ से भी लेयर्स को ग्रुप कर सकते हो. और यू कैन ऑब्वियसली यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट दैट इज कंट्रोल जी. फॉर नाउ आई विल क्लिक हियर एंड आप देखोगे यहाँ पे वो सारी लेयर्स हमारे पास ग्रुप हो गई हैं. एंड इफ आई वॉन्ट टू रीनेम इट आई कैन डबल क्लिक एंड टाइप स्मॉल इमेजेस. फाइन, तो हमने इसको रीनेम कर दिया एंड जब यहाँ पे मैं इस एरो पे क्लिक करूँगी तो आप देखोगे इसके अंदर जो भी लेयर्स हैं वो सारी यहाँ पे आ गई. नाउ यू कैन सी जो रेक्टेंगल है हम उसको भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं बिकॉज इसी का ही बैकग्राउंड है. सो अगर आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया एंड उसके बाद आपको कोई लेयर उसमें ऐड ऑन करनी है तो आप सिंपली उस लेयर पे क्लिक करोगे एंड देन क्लिक करके आप उस पर ड्रैग करोगे. तो आप देखोगे यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे चारों तरफ एक लाइन आ रही है. मीन्स अब अगर मैं उसे लीव करूँगी तो वो उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा. फाइन, सिमिलरली अगर मेरे पास ग्रुप ओपन है एंड इफ़ आई क्लिक एंड ड्रैग तो मैं यहाँ पे उसको ईजिली ऐड ऑन कर सकती हूँ. लाइक इफ़ आई लीव माई माउस हियर तो आप देखोगे ऐड हो जाएगा. बट मेक वन थिंग क्लियर, अगर ये ग्रुप में भी है, जैसे कि अगर मैं रेक्टेंगल को यहाँ पे कहीं प्लेस कर दूंगी तो आप देखोगे रेक्टेंगल इन दोनों इमेजेस के ऊपर आ गया है. सो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है तो मुझे ध्यान रखना होगा कि रेक्टेंगल को जब मैं ग्रुप में भी प्लेस करूँ तो वो सबसे नीचे हो. फाइन, ताकि वो इमेजेस को ओवरलैप ना करे. फाइन, सो आई क्लोज दिस. नाउ ग्रुप क्रिएट करने से हमें और भी बहुत सारी हेल्प मिलती है, जैसे कि अगर मुझे इन इमेजेस पे एक साथ कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो वो मैं पूरे ग्रुप पे सेलेक्ट करके कर सकती हूँ. लाइक अगर मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं एक एक इमेज पे जाके ट्रांसफॉर्म करने की जगह मैं पूरा ग्रुप सेलेक्ट करके इफ आई प्रेस कंट्रोल टी एंड नाउ इफ आई ट्रांसफॉर्म दिस, अगर मैं इसे ट्रांसफॉर्म करती हूँ तो आप देखोगे सारी लेयर्स को हम एक साथ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. आई विल प्रेस एस्केप एंड ऑल्सो मेरे यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट है तो अगर मैं इसे मूव कर रही हूँ तो कोई सिंगल लेयर मूव नहीं होगी बल्कि ये सारी लेयर्स एक साथ मूव होंगी. फाइन, अगर आप कोई इफेक्ट भी अप्लाई करते हो तो वो पूरे ग्रुप पे एक एक इमेज पे अप्लाई हो जाएगा. सो नाउ इफ आई वॉन्ट तो मैं यहाँ पे भी इन दो लेयर्स जो बची है उनको सेलेक्ट करके ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ. आई विल क्लिक ऑन दिस आइकन जिससे कि यहाँ पे एक और ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. आई विल डबल क्लिक एंड टाइप बैनर लाइक दिस. जैसे आप लेयर्स को मूव करते हो आप ग्रुप को भी मूव कर सकते हो, जैसे कि अगर मुझे इनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करना है तो आई कैन क्लिक ऑन द बैनर एंड ब्रिंग इट डाउन. सिमिलरली आई कैन क्लिक ऑन दिस ग्रुप एंड इसको मैं नीचे ला सकती हूँ. बट आप जब ग्रुप को इधर उधर उसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हो या अप एंड डाउन कर रहे हो तो मेक श्योर आप क्लिक करके जब ड्रैग करो तो जब आपको वन साइड पे लाइन दिखे तभी आप मूव करना. अगर आपको लाइन चारों साइड पे दिख रही है तो मीन्स ये ग्रुप उस ग्रुप के अंदर
एड ऑन हो जाएगा. सो मेक श्योर व्हेन यू मूव द ग्रुप्स तो आप उसको अंदर उसके मूव ना करो, सिर्फ ऊपर या नीचे मूव करो. फाइन, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.